हे गाइस, आज मैं हरियाली पनीर टिक्का बनाने वाला हूँ। नॉर्मल रेसिपी से थोड़ा अलग है, बट इट्स मच मोर डिलीशियस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 टीस्पून ऑफ क्यूमिन सीड्स, 1 टीस्पून ऑफ फेनल सीड्स, 4 टू 5 ब्लैक पेपर, थोड़े से कोरिएंडर सीड्स एंड देन 1 टीस्पून ऑफ कैरम सीड्स एंड 1/8 कप ऑफ पंपकिन सीड्स। गाइस, 1 टीस्पून ऑफ ऑरिगेनो ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। हल्का सा लो फ्लेम पे चला के अब इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक करी लीव्स, ग्रीन चिलीज, 1 चॉप्ड ऑनियन, 1 चॉप्ड कैप्सिकम। गाइस, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मैंने इसमें ऑयल ऐड नहीं किया और मैं इसको लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर रहा हूँ, सो दैट ये इसका रॉ फ्लेवर ना आए इंग्रेडिएंट्स के और ये अच्छे से कुक्ड रहे। और गाइस, मेक श्योर करना कि ये ओवर कुक भी ना हो और अब कूल डाउन होने पे इसको पीस लेना है। गाइस, पीसने से पहले गाइस मैंने इसमें कसूरी मेथी, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स और फ्रेश क्रीम भी ऐड किया हुआ है। आप फ्रेश क्रीम की जगह हंग कर्ड भी यूज़ कर सकते हो। और गाइस, पीसने के बाद इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। इसके बाद अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल भी ऐड किया मैंने इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने ऑलरेडी कटे हुए क्यूब्स पनीर के रखे हुए हैं, वो मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं और फिर अच्छे से इसको मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करके इसको हाफ एन आवर के लिए साइड में रख देंगे। तो गाइस, जब तक अपना मैरिनेशन सेट होता है तब तक मैंने ऑनियन, टमाटो और कैप्सिकम चॉप करके रखे थे, उसको मैंने रोस्ट किया हुआ है। गाइस, अब मैं पनीर को स्क्वायर ग्रिल पे प्लेस करके डायरेक्ट गैस स्टोव पे इसको ग्रिल करूँगा। गाइस, आपके पास अगर ये नहीं है तो आप स्क्यूअर्स के साथ भी इसको ग्रिल कर सकते हैं या फिर आप इसको पैन फ्राई भी कर सकते हैं। मेक श्योर करना है कि इसको दोनों साइड से ग्रिल करना है और मैंने इसमें ग्रिल पे ऑयल नहीं लगाया था तो ये थोड़ा से स्टिक हो रहा था। आप इस पे ऑयल भी लगा सकते हैं। सो ऐसे ये बन के रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। बस बहुत ही यम्मी टेस्ट था इसका, इसको ज़रूर शेयर करें पनीर लवर्स के लिए स्पेशली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।